खबर विकासनगर से है, जहां पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कमलेश उपाध्याय ने शाहपुरा थाना पहुंचकर थाने का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने थाना परिसर में साफ सफाई का भी अवलोकन किया। इस दौरान विकासनगर सीओ संदीप नेगी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि एसपी ग्रामीण ने थाना अध्यक्ष नरेश राठौर से थाने के विभिन्न मामलों के बारे में जानकारी भी ली। इसी के साथ विवेचनाओं के निस्तारण के लिए निर्देश भी दिए। एसपी ने निर्देश दिए कि थाना परिसर के कर्मचारी आवास में साफ सफाई रखी जाए, थाने के कंडम हो चुके क्राइम किट बॉक्स और अन्य सामानों की लिस्ट बनाकर पुलिस लाइन स्टोर में जमा करवाकर सही सामान मंगवाने हेतु मालखाना आदेशित किया गया। थाने में नियुक्त उप निरीक्षकों और आरक्षियों से असलाहों की बारीकियों आदि के बारे में जानकारी ली गई। वहीं थाने पर आने वाले फरियादियों की सहायता हेतु बने आगंतुक रजिस्टर में भी सभी शिकायतों का विवरण और शिकायतों के निस्तारण का विवरण अंकित किए जाने के संबंध में संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को आदेशित किया गया। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया और इसमें सभी अभिलेख, सफाई व्यवस्था और बाकी कुछ यहाँ पे कर्मचारियों की प्रॉब्लम्स और एक सम्मेलन भी लिया गया और बाकी विवेचनाओं के निस्तारण के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और ओआर भी लिया गया कि विवेचनाओं की क्या स्थिति है। बाकी हमारे कप्तान साहब के द्वारा एक 5 पॉइंट्स का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, मतलब अभियान चलाया जा रहा है, उसकी भी समीक्षा की गई है और उसमें भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।